और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बड़ी खबर ये आ रही है कि तेल तिलहन के स्टॉक लिमिट में बड़ा बदलाव हुआ है। होलसेल डीलर्स को स्टॉक लिमिट से छूट मिली है और खाने के तेल और तिलहन पर जो स्टॉक लिमिट है वो जल्द ही उसमें बदलाव होंगे। जी बिजनेस ने आपको बता भी दिया था कि इस पे नोटिफिकेशन भी आने वाला है और खबर पर मोहर लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त चलते हैं हमारे कॉमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा के पास। मृत्युंजय बताइए क्या खबर है? देखिए दीपक, इस वक्त की बड़ी खबर है और खबर यह है कि जो तिलहन है और खाने का तेल है उस पर स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। जो बड़े रिटेल चेन है, जो बड़े प्लेयर हैं, उनके लिए लिमिट तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है और ये इसलिए हटाई गई है ताकि बाजार में सप्लाई का सिचुएशन इम्प्रूव हो और कीमतें काबू में रहे। और ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की थी और जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे ने कल ये खबर ब्रेक की थी और अभी अभी अमरीश ने ही ये खबर हम तक पहुंचाई है कि ये लिमिट अब तत्काल प्रभाव से हटा दी गई। एग्जैक्टली जो खबर हमने कल दिखाई थी कि पहले बड़े रिटेल चेन को इसमें राहत मिलेगी और धीरे धीरे फिर बाकी प्लेयर से भी इसे हटाया जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो बड़े चेन है वो खुलकर अब स्टॉक रख पाएंगे अपने पास और सप्लाई की दिक्कत नहीं होगी डिमांड के मुकाबले, ये मकसद है। और लगातार ये बात सरकार तक जा भी रही थी कि अब ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन को लेकर कोई दिक्कत है नहीं और इस वक्त जो है बड़ी खरीद की क्रॉप आ रही है मार्केट में सोयाबीन की, मूंगफली की, लिहाजा जो तिलहन के किसान हैं उनको अच्छा भाव मिल पाए, क्योंकि स्टॉक लिमिट जब हटेगा तभी बड़े प्लेयर ज्यादा स्टॉक कर पाएंगे, ज्यादा खरीद पाएंगे किसानों से। तो एक साथ दो मकसद, किसानों को अच्छा भाव मिले और बाजार में सप्लाई को लेकर कोई पैनिक ना मचे, इसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। एब्सोल्युटली, और पिछले साल अक्टूबर से स्टॉक लिमिट लागू है और जो अम्बरीश ने जैसा कि रिपोर्ट किया था कि स्टॉक लिमिट चरणों में खत्म होगी, एग्जैक्टली उसी दिशा में सरकार के फैसले भी, पहले बड़े कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट खत्म होगी और फिर इस खबर पर अंतोगत्वा इस तरह से मुहर लगी है जी बिजनेस की खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी।